घर में टाइल लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना, आपको एक अच्छी टाइल भी मिलेगी घर के लिए और आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी कहाँ टाइल लगानी है। और जब टाइल लगा देता है ठेकेदार तो चेक कैसे करना है, क्योंकि पैसे आप पूरे दे दोगे उसको लेकिन सही से टाइल नहीं लगी होगी तो क्या फ़ायदा उसका। तो चेक करना भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। पहले देख लेते हैं, हम टाइल खरीदने जब जाते हैं तो हमें पता होनी चाहिए तो वो टूट सकती है, जैसे अगर बाय चांस उस पे हैवी लोड नहीं, अगर कोई होगी जोर से चलेगा भी तो ये पांच टूटने के चांस, इनको चेक कर लेना, उसके बाद ही टाइल लेनी है। फिर हम बाद में चेक करेंगे कि ठेकेदार को पैसे कैसे देने हैं चेक करके। बात कर रहा हूँ विट्रीफाइड और सेरेमिक टाइल क्या है, जहाँ पोर्कलेन जो टाइल रहती है वो क्या है, तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो आपको विट्रीफाइड टाइल होती है वो लुक बहुत ज़्यादा अच्छी देती है आपको, मतलब एक शाइन लुक देगी, बहुत अच्छी सुंदर देखेगी। बड़े बड़े पीसीस में आती है, 2x4 के, 2x2 के, 4x4 के, आजकल बहुत बड़े बड़े पीसीस आ रहे हैं, वो पॉसिबल होता है विट्रीफाइड टाइल में। विट्रीफाइड टाइल वो ही जिसमें पानी वो सोखती नहीं है, मतलब नॉन पोरस होती है वो, जिसमें थोड़ा पानी अगर उस पर गिरेगा वो वहीं पड़ा रहेगा, अंदर एब्जॉर्ब टाइल नहीं करेगी। लेकिन दूसरी जगह होती है हमारी सिरेमिक टाइल, और सिरेमिक टाइल क्या है, जो पानी काफ़ी ज़्यादा सोखती है, क्योंकि 10-15% वो पानी सोख लेती है, जैसे हमारी ईंट रहती है वैसे ही पानी वो सोखती है। और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो कुछ पॉइंट्स में पानी सोखती है, मतलब ना के बराबर पानी सोखती है। तो इधर से हमें आइडिया लग गया, अगर हमें सिरेमिक टाइल हमने लगा दी बाथरूम में या बाहर तो वो तो पानी सोखती रहेगी, और जब पानी सोखती रहेगी तो वो निकलने के चांसेस भी होते हैं कि वो टाइल दीवार को छोड़ देगी, आपके फर्श को छोड़ देगी, यहाँ वो सीलन डैम्पनेस कर सकती है पूरे घर में। तो आपको ये चीज़ों को दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी पहचानना कैसे है, नीचे कौन सी टाइल लगती है, दीवार पर कौन सी टाइल लगती है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी है और सिरेमिक टाइल कौन सी है, सिंपल भाषा में अगर उसको समझना है, क्योंकि दोनों के डिज़ाइन कलर्स मिल जाएंगे आपको सेम। अगर विट्रीफाइड देखनी है आपको टाइल, तो टाइल को ऐसे उल्टा करना, ये सामने जैसे देख रहे हो मिट्टी कलर की है, ब्राउन कलर की है, दोनों टाइल ये ब्राउन कलर की है, तो ये सिरेमिक टाइल है, और यहाँ हम इसको करते हैं उल्टा तो वाइट कलर की है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं ये विट्रीफाइड टाइल है और ये सिरेमिक टाइल है। तो इधर से हमें आइडिया लग जाता है। और आपको विट्रीफाइड टाइल वहाँ लगानी है, फ्लोरिंग में लगा सकते हो, दीवार पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिरेमिक टाइल अगर फ्लोरिंग में लगवाती हो तो वहाँ उसका ऊपर से कलर फेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, और अगर वो पानी, क्योंकि सिरेमिक टाइल ईंट की तरह है, पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, वो 5-6% पानी सोख लेती है। अगर आपकी दीवार में पानी है, फ्लोरिंग में पानी है, तो वो थोड़े टाइम बाद सोखे जो टाइल होती है वो टूट भी सकती है, कलर फेंट भी हो सकता है, और दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो आपको सिरेमिक टाइल हमेशा दीवार पे रखनी है, विट्रीफाइड टाइल आप फ्लोरिंग में और दीवार में लगा सकते हो, ये आपको पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड, अगर हम इन कंपनी की टाइल लें अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात राजकोट से, ठीक है, उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही है, ब्रांडेड भी वहाँ से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी ख़राब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं, रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ब्रांडेड जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि बीच में एक आधा लोड खराब निकल सकता है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए, नॉन ब्रांडेड के साथ अगर आपको जाना है तो आपको चेक्स क्या करने हैं, ये पांच चीज़ें चेक कर लेना, तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो। और नॉन ब्रांडेड टाइल जो होती है वो आपको 5-10 रुपये पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी एज़ कंपेयर टू ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज को क्या करना होता है, अक्षय कुमार को लाना है, सलमान खान को लाना है, मार्केटिंग करवानी है, तो उनको पैसे कहाँ से जाएंगे, आपकी पॉकेट से, तो वो हर स्क्वायर फीट पर 10-15 रुपये आपसे लेंगे एक्स्ट्रा, नॉन ब्रांडेड वाले नहीं लेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड जब भी टाइल लेनी है आपको ये पाँच चीज़ें चेक करके टाइल लेनी है। देखो सबसे पहला चेक का आपको क्या करना है, टाइल लेनी है दो, मतलब जो 2x4 की टाइल आती है या जो बड़ी टाइल आती है उनमें ये चेक किया जाता है, छोटी टाइल में ये चांसेस कम होते हैं कि वो बेंड हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट, वो कैसे करना है, दो टाइल लेनी है, मतलब एक बॉक्स में दो टाइल आती है, तो उन दोनों टाइल को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर, और यहां कॉर्नर में चेक करना है, ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा गैप आपको इन दोनों में दिख रहा होगा, आधे एमएम का गैप है, इतना अगर बेंड होता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा बेंड है तो उस लोड में दिक्कत है। अगर वो घर में टाइल लगवाते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ये कॉर्नर है टाइल के, ये ऊपर खापड़ हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर रह जाएगा, दोनों कॉर्नर नहीं मिलते हैं। और ये दिक्कत हमें आई थी कजारिया की टाइल में, ये कजारिया की टाइल है और यहां पे आप कॉर्नर, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है, ये तो लगाने वाले की गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने खुद चेक किया कि इसके तीन कॉर्नर मिल रहे हैं और एक कॉर्नर नहीं मिल रहा है, तो ये टाइल क्या थी, बेंड आई हुई थी। इवन मतलब कजारिया की भी बेंड आ सकती है और नॉन ब्रांडेड की बेंड आ सकती है। तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उनको क्या होता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, अगर सही तरीके से उसको सुखाया नहीं जाए तो बेंड हो सकती है टाइल। तो आपको ये चीज़ चेक करके ही टाइल लेना, एक मतलब बॉक्स ले लेना पहले जब लगवा रहे हो, उस बॉक्स के चेक कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं लगाओ, नहीं तो ये टाइल जो है ऊपर नीचे दिख रही है और जब इस पर झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, चला जाता है तो दिक्कत रहती है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती है। अगर आप इसमें ग्रूव नहीं दोगे तो दिक्कत और ज़्यादा होगी और उबर खाबड़ दिखेगी। अगर जैसे हमने इसमें स्पेसर दे दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, दिख रही नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन जब आप इस पर हाथ मारोगे ऐसे तो आपको ये दिक्कत आएगी आएगी। अगला टेस्ट क्या करना है, जब भी आप सेरेमिक टाइल लो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, पानी बैक साइड करना टाइल को, दो तीन सैंपल ले लो, पानी डालना, ठीक है, पानी डाल लो जितना पानी डाल सकते हो, ठीक है, एक जगह पे पानी डालना और उस पानी को थोड़े टाइम तक रहने दो। जैसे हमने यहाँ टाइल के दो सैंपल लिए थे, दो किस्म की टाइल है और सेरेमिक टाइल है, पानी डाल दिया हमने और इसको हमने रख दिया और हमने इसको आधे घंटे बाद देखा, एक सैंपल जो था ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमने जब उसको पलट के देखा तो इसमें हमें नॉर्मल लगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, तो ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है कि जो पानी था वो सामने की सरफेस पे हमें नहीं दिखा, तो ये चीज़ अच्छी थी इस टाइल के लिए। लेकिन जब हमने दूसरा सैंपल देखा तो उसमें आपको कैमरे में दिख रहा है पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही होगी, एक टाइल में शेड दिख रही है, तो इसमें क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था वो टाइल की फ्रंट सरफेस पे दिखने लगा। और होता क्या है, जब हम ऐसी टाइल को लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद अगर उसको पानी लगता है तो वहाँ से वो डल हो जाती है और सामने वो स्टेन दिखता है तो वो बहुत ख़राब दिखता है लाइट में, तो आपको ऐसी टाइल अपने घर पे नहीं लगवानी है। एक बेसिक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रैच करके देख सकते हो कि टाइल ख़राब या बुरी, क्योंकि मोस्टली टाइल पे स्क्रैच करोगे तो इतना जल्दी वहाँ स्क्रैच नहीं पड़ता है, लेकिन कभी भी कोई भी बॉक्स आप देखो टाइल का, अगर उससे पहले में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं पहले से, तो उस टाइल पे चांसेस हैं पूरे लोड पे स्क्रैचेस हो सकते हैं, क्योंकि करते क्या है, जब टाइल बन रही होती है उन टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्क्रैची हो गए होते हैं, और घर जब लाओगे उसको लगाओगे तो वहाँ पे स्क्रैच आपको देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं रहती है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वैसे ही एक और दिक्कत आती है, डल पॉलिशिंग एज जो होता है, एज का अगर पॉलिश डल है थोड़ा बहुत, जैसे इस टाइल में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, एजेस जो हैं उनमें पॉलिश डल है, तो मतलब ऐसी टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो जो देखोगे तो वो ख़राब दिखेगी, तो ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स में देखा जाता है। तो जब आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो तो आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। अगली चीज़ होती है कि सस्ती टाइल मिलेगी कहाँ से, कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी टाइल लेने को जाना है आपको टाइल का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको टाइल कौन सी लेनी है, 2x4 की, 2x2, जो भी टाइल आपने डिसाइड कर लेनी है वो पहले ही, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वेराइटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीज़ें अच्छी हो, तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वेराइटीज़ आपको देखने को काफ़ी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की, सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वेराइटी मिलती है, और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी होगी, सिंपोलो होगी, AGL होगी, ये पाँच जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं, अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज़ होती हैं, वो आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर देखो, जैसे ही हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है, लेकिन पे करने से पहले चेक कर लेना आप अगर उसको 16 रुपये पर स्क्वायर फीट या 17 रुपये 18 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, क्या उसने उस क्वालिटी का काम आपको करके दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका चेक करने का फर्ज बनता है। तो आज कुछ ऐसी ही मैं 8 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपकी टाइल वर्क कंप्लीट हो जाता है आपको पे करने हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उससे पहले क्या चीज़ें चेक करनी है कि आप उसका
उसका डिडक्शन कर सको, आप पैसा थोड़ा कम कर सको कुछ रीजंस को लेके कि ये गलती है तो इसका हमें वो दो, क्योंकि एक बार पैसे दे दिए फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो ना सही करके देगा ना वो देखने चेक करने आएगा। सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या देखनी है, जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है, स्कर्टिंग सब समझ रहे हो स्कर्टिंग की होती है, जो सामने आप देख रहे हो स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है, उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1:1 में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी गलती होती है, अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलने लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डेडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण कि उसको जहाँ जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगलियां हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना, जहां साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह खाली सी साउंड लग रही, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोटार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगर बाय चांस उस पर हैवी लोड नहीं, अगर कोई जोर से चलेगा भी तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगर खाली नहीं होगी नीचे से, कुछ ऐसी टाइल वो दिखेगी जैसे आप मारोगे, तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ से आप मार के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ नीचे खाली है यहाँ नहीं, और ये आपको दिखा सकते हो उसको। और ये काम आपको तब कर लेना है जब आपकी ग्राउटिंग नहीं हो, एक बार ग्राउटिंग हो जाए फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है सब सही करने में। अगर ग्राउटिंग नहीं हुई है उससे पहले चेक करके आपको उसको बता दो, वो सीमेंट स्लरी बना के नीचे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे ठीक हो जाता है वो मतलब बजना, और थोड़ा कम हो जाता है मतलब सही हो जाता है, ये आपको चेक कर लेना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी ग्राउटिंग की जाती है, आप ग्राउटिंग देख रहे हो, ग्राउटिंग क्या होती है, हम ग्रुप छोड़ते हैं 3-4 mm का, तो वो प्रॉपर ग्रुप छोड़ के उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना बनता है। क्योंकि देखो अगर उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं होगी, आगे पीछे होगी या कुछ चीज़ें खाली रहेगी, जैसे यहाँ खाली रहेगी, बहुत बड़ी गलती होती है, तो आपको जो भी कलर की ग्राउटिंग है वो चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें फिल की है नहीं की है, फिर जहाँ वाइट सीमेंट लगाया जाता है वहाँ वाइट सीमेंट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर ही उसको आपको पे करना होता है। अगली चीज़ आपको देखनी है, जो बाथरूम है किचन है उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैनहोल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखने की स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग के दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा, लेकिन आप वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो मन चाहा, जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छे तो किस चीज़ का पैसा है, ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। और दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि सीमेंट और सैंड ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, तो आपको चेक करना है जो टाइल होती है थोड़ी रफ सरफेस होती है उसमें उसमें सीमेंट तो नहीं फंसा होता, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है, जैसे सामने टाइल देख रहे हो यहाँ सीमेंट रह जाता है, और ये सीमेंट साफ करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम, जैसे आप मार्केट से टाइल लेके आए थे वैसी आपको वहाँ दिखनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको उसकी फिनिशिंग या सफाई करनी पड़े तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की, तो ये आपको पहले ही उससे साफ करवानी है। और ये चीज़ आपको ध्यान तब रखनी होती है जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, उसी दौरान आपको चेक करते रहना है डे बाय डे, तो उससे क्या होगा क्वालिटी अच्छी रहती है और साफ सफाई बनी रहती है, ये चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। अगली चीज़ जो टाइल है, में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइल है, आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है वो बोलता है कि टाइल बेंड आ रही है, जो पीछे से ही बेंड है, चलो कुछ टाइल बेंड आती है गजारिया की, मोस्टली टाइल मैंने देखी है तो 2x4 की जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बेंड रहते हैं, ये कजारिया की बहुत ख़राब चीज़ है, डिसएडवांटेज है, इतना आदमी 60-70 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है फिर भी अगर बेंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये मोस्टली आती है इसकी, तो आपको क्या करना है, जो उसके 4 कॉर्नर होते हैं टाइल के,
वो चार कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे मिलने चाहिए, चारों कॉर्नर। अगर वो चारों कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइली बैंड है। अगर वो चार कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये चार कॉर्नर ही नहीं मिले हैं तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो। अगर एक बार चार, क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा, चारों कॉर्नर मिलाएगा एक लेवल पर, वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पर मिल जाते हैं फिर बीच में से अगर बाई चांस बैंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा बैंड भी नहीं होती, एक दो mm का बैंड होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और एक दो mm का बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बैंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं नहीं मिले हुए, ये चीज़। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड वाश के बारे में, ये कमेंट्स भी काफी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज करते हैं एसिड वॉश, एसिड वॉश क्या हुआ, वो जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ किया जाता है, जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज करके साफ करते हैं। क्या हमें वो यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज़ करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज़ करना चाहिए। देखो ये ख़राब चीज़ है मेरे ख्याल में, एसिड वाश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वाश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेंट हो सकता है। सेरेमिक टाइल पे इस ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से, तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो। इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी, अगर डेली साफ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको ये चेक करनी है। मैंने आपको टोटल 7 चीजें बताई, पैसे देने से पहले ये चेक कर लेना कि ये सही है नहीं है, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ ये टाइल की सीरीज़ ख़त्म हो रही है, प्लेलिस्ट इस पे बन चुकी है, 6 से 7 वीडियोस थी। जो वीडियोस आप 6 से 7 देखोगे आप गारंटी है सीख जाओगे कि कैसे टाइल लगवानी है, क्या रेट है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ सब में। प्लेलिस्ट अलग से है टाइल वर्क पे, हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ में भी ऐड है ये सब, तो आप देख के आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो, और ये 7 चीज़ें जरूर चेक करना, उसके बाद आप पे कर सकते हो। क्योंकि 16 से 17 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो काफ़ी ज़्यादा आपका 17 से 18 हज़ार रुपये आपका उसमें लग रहा है, 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ही सिर्फ, बाकी स्कर्टिंग का अलग। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, बस आप प्यार देते रहिए, कमेंट करिए जो चीज़ें पसंद आती हैं, और जो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डेली अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।